वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. आज हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का दूसरा ओरल वीडियो बनाने जा रहे हैं. इसमें हम कवर करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन अगर किसी भी रिएजेंट से कर रहे हैं आप, टॉलेंस, फैलेंस, बेनेडिक्ट्स या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक केमेनोफोर एसिडिक मीडियम, कहीं से भी ऑक्सीजन अगर मिलता है तो एल्डिहाइड डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है. ये लिखा हुआ है नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एटसेट्रा, इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलेंस रिएजेंट, फैलेंक्स सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट्स मिसिंग है, उससे रिएक्शन करोगे तो डेफिनेटली आपका एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा. आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये एल्डिहाइडिक ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें कार्बन की तो ज़ीरो है, और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में जाते हैं तो पॉजिटिव मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, या यू कैन से कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है. लूज़ कर रहा है मतलब आर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को और ऑक्सीजन ले रहे हैं, राइट. सो एल्डिहाइड का तो बहुत ही सिंपल है माय डियर स्टूडेंट्स. क्या कीटोन्स भी इतना ही सिंपल हैं? लेट्स सी कि कीटोन्स के केस में क्या होगा. ये देखिए कीटोन्स आर सी एस टू सी ओ सी एस टू आर डैश. अब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जो लिखा हुआ है ये देखिए टू नंबर, इसके राइट हैंड साइड टू एंड थ्री के बीच में से भी बॉन्ड टूट सकता है और ये बॉन्ड 1-2 के बीच में से भी टूट सकता है, कहीं से भी टूट सकता है. तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं 2-3 के बीच में से टूटा तो क्या मिलेगा. 2-3 के बीच में से टूटा तो ये नीचे जो लिखा है आर सी एच टू सी ओ ओ एच आर डैश सी ओ एच, यानी कि ये मिलेगा. क्योंकि अगर 2-3 के बीच में से टूटा, यहाँ से टूटा, अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूटा तो इसके पास तो देखिए आर सी एच टू और ये रेड वाला सी ओ ओ एच ये बचा, और उसके पास तो सिर्फ आर सी ओ ओ एच ही बचेगा, तो यानी कि ये चीज़ आपको मिल जाएगी. लेकिन अगर 1-2 के बीच में से टूटा तो ये मिलेगा आर सी ओ ओ एच जो कि मिला है आर सी ओ एच, और इधर मिलेगा आर डैश सी एच टू सी ओ एच. तो ये चार तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलेंगे, लेकिन इनमें कौन सा ज़्यादा मिलेगा कौन सा कम मिलेगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है ये माँ है. क्या है? माँ. और बाकी दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड वाले जो हैं वो बच्चे हैं. अब माँ तो दोनों की होती है, दोनों ही बेटों की, लेकिन ज़्यादा पैसे वाला कहता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है वो है, छोटे तेरे पास क्या. तो छोटा कहेगा मेरे पास माँ है. तो माँ दोनों की होगी, लेकिन माँ ज़्यादा किसकी होगी? डेफिनेटली माँ उसकी ज़्यादा होगी जो छोटा होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई कीटोन लेंगे तो जिस साइड एल्काइल ग्रुप कम होंगे उसके साथ कार्बोनिल ग्रुप जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, जैसा कि लिखा हुआ भी है. टू अफोर्ड ए मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैन द पेरेंट कीटोन, यानी कि जिसके पास एल्काइल ग्रुप में कार्बन कम होंगे डेफिनेटली माँ उसकी होगी. इसको बोलते हैं पपॉप्स रूल. क्या बोलते हैं? चलो पपॉप्स रूल. अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई है तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ. सी कि मैं क्या बोल रहा हूँ उस बात को मैं लिख के बता देता हूँ. लेट अस टेक वन एग्जांपल कि ये पपॉप्स रूल है क्या. लेट मी टेक सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, और इसकी रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा दी मैंने. अगर टॉलेंस रिएजेंट से कराता मैं, टॉलेंस रिएजेंट से टॉलेंस टेस्ट ये नहीं देगा, राइट. तो ये देखिए ये कीटोन है. कैन यू सी एवरीवन? तो इस तरफ आप देख रहे हैं कितने कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, 3 कार्बन्स का, और इस तरफ कितना है, 2 कार्बन्स. तो छोटा वाला कौन है? डेफिनेटली 2 कार्बन वाला. तो जो मेजर मिक्सचर मिलेगा वो यहाँ से ब्रेक होगी,
तो ये तीन कार्बन का एसिड मिलेगा क्योंकि माँ किसकी ज़्यादा छोटे की, तो प्रोपेनिक एसिड, और ये तो खुद ही तीन कार्बन है तो हमें सिर्फ एक ही तरह का एसिड मिला, मेजर मिक्सचर, दैट इज़ प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनिक एसिड इज़ द मेजर मिक्सचर, ये हमारा मेजर अमाउंट में मिलेगा एक ही तरह का एसिड क्योंकि माँ इसके साथ गई। अब आप कहेंगे सर अच्छे से समझ में नहीं आया, दूसरा कोई एग्जांपल लीजिए। चलो ठीक है, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, CH2 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 CH3। नाउ सी, इस तरफ ये बेटा कितने कार्बन का है, चार कार्बन का, और ये बेचारा सिर्फ एक कार्बन का है। तो माँ किसकी ज़्यादा, एक कार्बन की, छोटा बच्चा, छोटे को ज़्यादा ज़रूरत है माँ को, तो माँ इसकी हो गई। तो ये दो कार्बन का एसिड, एसिटिक एसिड मिल गया हमको CH3COOH, और वो चार कार्बन का एसिड ब्यूटेनोइक एसिड मिल गया हमको। क्या मिल गया, ब्यूटेनोइक एसिड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चा लोग, क्या बात समझ में आ गई। सो ये टिक करके आना है आपको एग्जामिनेशन में, आई होप सबको क्लियर हो गया एकदम। तो इसको बोलते हैं पॉपअप्स रूल, व्हाट इट इज़ नोन एज पॉपअप्स रूल। तो ये बहुत अच्छे से अगर आ गया आपको, तो आगे हम चलते हैं कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, कीटोन्स का बिल्कुल भी ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये एग्जामिनेशन में ज़रूर आता है टॉलेंस एंड फैलिंग्स टेस्ट। ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें टॉलेंस और फैलिंग टेस्ट ना आए, बिना टॉलेंस और फैलिंग्स के कोई एग्जामिनेशन हो जाए हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम टॉलेंस टेस्ट को देखते हैं कि यहाँ लिखा है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। टॉलेंस रीजेंट क्या होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। अब क्यों फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि इसमें Ag+ होता है और Ag+ को कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो आगे रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो देखिए टॉलेंस रीजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, दैट इज AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को बेसिक मीडियम में रखा जाता है। अब AgNO3 मतलब Ag+ है, याद रखिएगा टॉलेंस रीजेंट का मतलब Ag+, वो चाहे AgNO3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में हो, चाहे वो Ag2O के फॉर्म में हो, चाहे वो AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, दैट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हो, चाहे ऐसा लिखा हो AgNH3 होल ट्वाइस और ब्रैकेट के बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर OH लिखा हो, यानी कि किसी रूप में मिल जाए, पहचान लेना कि वो टॉलेंस रीजेंट है। अल्टीमेटली मुद्दा ये है कि Ag+ को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब उसको अपना रिडक्शन करना है, क्योंकि Ag+ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो कोई ना कोई तो चाहिए ना इलेक्ट्रॉन देने वाला, Ag+ तो लुटेरा है, चाह रहा है कोई दे दे एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो एल्डिहाइड बड़ी ही आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कीटोन्स बहुत स्टेबल हैं, इनर्ट है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, तो कीटोन से नहीं छीन पाएगा ये लुटेरा, सिर्फ कमज़ोर लोगों को लूटता है। और कमज़ोर कौन है, एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स, तो एल्डिहाइड को लूट लेगा, यानी कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और Ag+ का रिडक्शन हो जाएगा। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है बच्चा लोग, क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो डेफिनेटली RCHO का जब ऑक्सीडेशन होगा तो देखो वो कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज हो गया है, और Ag+ का रिडक्शन होगा तो देखिए वो सिल्वर मिरर बन गया है। इसका मतलब अगर हमारे पास, हमें नहीं पता है कि गिवन कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो दोनों फ्लास्क में दोनों को अलग अलग ले लो और दोनों में टॉलेंस रीजेंट डाल दो, जहाँ पे सिल्वर मिरर बन जाए समझो वो कमज़ोर था और वही हमारा एल्डिहाइड है। तो ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी है, अगर क्वेश्चन आता है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश इन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो डेफिनेटली ये बेहतरीन तरीका है एल्डिहाइड कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने का, बिकॉज कीटोन्स विल नॉट गिव राइट सिल्वर मिरर, क्योंकि सिल्वर मिरर बनता है चांदी, चांदी तो आप जानते हैं कैसी होती है, सिल्वर मिरर, मिरर कैसा, सिल्वर का मिरर बन जाएगा, चमकती हुई चांदी जमा हो जाती है टेस्ट ट्यूब पे, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट होता है ये। तो खैर एनीवेज, यहाँ देखिए तीन रिएक्टेंट, तीन तरह के रिएक्टेंट हैं रिएक्टेंट साइड में, और चार तरह के प्रोडक्ट बने हैं, साथ में अमोनिया गैस रिलीज हुई है, राइट, याद रखिएगा। लेकिन इतनी सी बात जो दी है NCERT में, ये सिर्फ 10% है,
बाकी और कंपाउंड्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स जो टॉलरेंस टेस्ट देते हैं लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। फॉर एग्जांपल ये बायो के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट, ऑल मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ये सब रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अब रिड्यूसिंग का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर टॉलरेंस एजेंट हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो डेफिनेटली एल्डिहाइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और टॉलरेंस एजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कौन, एल्डिहाइड। तो सारे ग्लूकोज फ्रक्टोज, अब देखिए आप कहेंगे सर अभी आपने कहा कि कीटोन्स डज नॉट गिव दिस टेस्ट, बट फ्रक्टोज तो कीटोन है, फिर कैसे ये टेस्ट दे रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैंने तैयारी कर रखी है आपके लिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होता है और सारे बेहतरीन बच्चे इस बात को जानना चाहते हैं। तो कैन यू अंडरस्टैंड CH2OHC डबल बॉन्डो ये फ्रक्टोज है, या सिर्फ फ्रक्टोज ही ये टेस्ट नहीं देता, दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो जो दिखने में ऐसा लगता हो CH2OHC डबल बॉन्ड ओ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ऑफ दिस टाइप इवन फ्रक्टोज, और दुनिया के कितने इनफाइनाइट कंपाउंड्स हैं वो सब कीटोन्स ये टेस्ट देते हैं। अब कीटोन्स तो एनसीईआरटी ने लिखा देते नहीं ये टेस्ट, मैंने भी बताया कीटोन्स आर हाईली इनर्ट, तो कीटोन ने कैसे दे दिया, दया पता लगाओ कि क्या गड़बड़ है, प्रधवन जी बोल रहे हैं, दया पता लगाओ कि क्या बात है। तो तारिका और डॉक्टर सालूके तैयार हो गए, बोले साहब हमने पता लगाया है कि कीटोन तो बदनाम हो रहा है, कीटोन ने तो ये टेस्ट दिया ही नहीं है, सही लगती है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी गलत नहीं है, लोग कहते हैं ना एनसीईआरटी गलत है, ना एनसीईआरटी अपनी जगह बिल्कुल सही है, जरूर कोई बात है, आओ देखते हैं। जब ये कीटोन बेसिक मीडियम में डाला जाता है, क्योंकि बेसिक हाई टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट में कैसा है, AgNO3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से OH नेगेटिव मिला, तो जैसे ही OH नेगेटिव मिलेगा ये टॉटोमराइज करेगा, गट 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 गट, देखिए इन डायोल बन गया, इन डायोल, कैन यू सी डबल बॉन्ड एंड दो OH, इन डायोल, और इस इन डायोल के रास्ते फिर से टॉटोमराइजेशन होगा, दो बार टॉटोमराइजेशन होगा, और देखिए ये आ गया CHO ग्रुप, कैन यू सी, अगर वो फ्रक्टोज था, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की दुनिया की बात करूँ, ये फ्रक्टोज है तो ये ग्लूकोज एंड मैनोज में चेंज हो जाता है, दो क्यों बने, देखिए जिस कार्बन पे ये लगा था कार्बोनिल ग्रुप दैट वॉज SP2 हाइब्रिडाइज, तो टॉटोमराइजेशन के टाइम में जब H प्लस आएगा तो इट विल अटैक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दोनों तरफ से हो जाएगा, दैट मीन्स फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, हाइड्राइड आएगा दोनों तरफ से आएगा और दो तम कंपाउंड बनाएगा, वन इज बिंग ग्लूकोज एंड वन इज बिंग मैनोज, इस पूरे कन्वर्जन को बोलते हैं लॉबरी डी ब्राउन वैन वीन इकेंस्टिन रीअरेंजमेंट। इतना बड़ा आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो बस याद रखो कि एनसीईआरटी ने कुछ भी गलत नहीं बोला, उसने तो सिंपली कहा कि ऑल एल्डिहाइड्स वेदर दे आर एलिफेटिक और एरोमेटिक दे गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। तो देखिए फ्रक्टोज बेचारा खुद ही चेंज होकर एल्डिहाइड बन जा रहा है, तो इन एल्डिहाइड्स ने ये टेस्ट दिया है। अब बात करते हैं कि क्या डाइसेक्राइड्स ये टेस्ट देते हैं टॉलरेंस टेस्ट, तो माय डियर स्टूडेंट्स यस, आंसर है ऑल डाइसेक्राइड्स गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट एक्सेप्ट सुक्रोज एंड ट्रीहैलोज, एंड जो भी शुगर्स ये टेस्ट देते हैं वो म्यूटा रोटेशन शो करते हैं और रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं, राइट। और कोई कंपाउंड सर, यस एंड फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन भी ये टेस्ट देता है। सर और कोई कंपाउंड, यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने एनसीईआरटी ने कहा कि एल्डिहाइड से ये टेस्ट देते हैं, तो आपको बता दूं एसिटल भी ये टेस्ट देंगे, दिस इज एसिटल। अब आप कहेंगे सर एसिटल कैसे देगा, क्या फिर से एनसीईआरटी गलत है, नो बच्चा, आपने देखा एसिटल में आप बेसिक मीडियम डालोगे तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और ये देखिए वापस एल्डिहाइड बन गया, और एनसीईआरटी कहते हैं भाई जहाँ भी एल्डिहाइड होगा पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट मिलेगा, तो वंस अगेन ऑल एसिटल्स एंड हैमी एसिटल्स विल गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। और सर और कौन से कंपाउंड्स देते हैं बच्चा लोग, मैं आपको बता दूं फॉर्मिक एसिड दुनिया का एक ऐसा इकलौता एसिड है विच हैज़ CHO ग्रुप, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है और CHO ग्रुप भी है, दैट्स वाई फॉर्मिक एसिड ऑल्सो गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। सर और कोई कंपाउंड, यस माई डियर स्टूडेंट्स, दुनिया के जितने भी एल्काइंस हैं, ऐसे एल्काइंस जिनके किनारे पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है टर्मिनल, तो वो भी टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, शर्त और डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि
वो सिल्वर मिरर नहीं बनाते हैं, वो वाइट कलर का पीपीटी फॉर एग्जांपल एसिटिलीन की रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट से कर दूं तो डाई सिल्वर एसिटेलाइड यानी कि AgCCC मिलेगा। लेकिन यस पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब आती है बात फैलिंग्स टेस्ट की। माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये फैलिंग्स टेस्ट है तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फैलिंग्स ए एंड फैलिंग्स बी। जैसे आटा और पानी, सूखा आटा और पानी मिला के हम रोटी बनाते हैं, कहीं मार्केट में गीला आटा नहीं बिकता, क्यों वो ख़राब हो जाएगा। तो सूखा आटा और पानी जब रोटी बनानी है तब इन सीटू यानी कि वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड दैन इट इज़ प्रिपेयर्ड, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। तो वंस अगेन याद रखिएगा बच्चों लोग, फैलिंग सॉल्यूशन भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, मतलब जब जरूरत होती तभी बनाते हैं। तो फैलिंग्स ए और फैलिंग्स बी, फैलिंग्स ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट यानी कि ब्लू विट्रियोल का पानी का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, एंड फैलिंग्स बी इज एल्कलाइन। देखिए फिर से एल्कलाइन मीडियम आ गया है, इट्स ए सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ऑल्सो नोन एज रॉसिल सॉल्ट। इन दोनों को इक्यूमोलर प्रोपोर्शन में ऐड किया जाता है। दीज टू सॉल्यूशंस आर मिक्सड इन इक्वल अमाउंट, याद रखिएगा। तो हमें मिलता है Cu2+, याद रखिएगा Cu2+, जैसे वहाँ Ag+ था यहाँ पे Cu2+ मेन चीज है। अब वो चाहे Cu2+ लिखा हो, चाहे CuOH होल ट्वाइस लिखा हो या CuO लिखा हो, तो अब बात इस बात की है Cu+ का इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी Ag+ से कम है, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्यूप्रिक इज लेस देन दैट ऑफ Ag+। तो ये कीटोन्स को तो वैसे ही नहीं कुछ कर पाता है, लेकिन एल्डिहाइड्स में भी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स पे अटैक नहीं कर पाएगा, यानी कि बेंजल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट तो देता है लेकिन फैलिंग टेस्ट नहीं देगा। और जब इसकी रिएक्शन करोगे तो याद रखना कॉपर नहीं बनेगा जैसे वहाँ सिल्वर बना था, ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। Cu2+ जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cu+ बनेगा बच्चा लोग, क्या बनेगा Cu+ यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड का कलर्स रेडिश ब्राउन पीपीटी होता है, याद रखिएगा रेडिश ब्राउन पीपीटी, इस बात को मत भूलना। और किसका होता है रेडिश ब्राउन पीपीटी? रट नहीं सकोगे, क्योंकि जब मैं क्लास 12th में था तो रटता था, मैं भूल जाता था क्यूप्रिक आयन है या क्यूप्रस आयन है। तो याद रखो क्यूप्रिक का जब रिडक्शन होगा तो डेफिनेटली वो क्यूप्रस में चेंज होगा, यानी कि रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड मिलेगा। अब बात ये आती कि एनसीईआरटी ने इतना लिख दिया है, ये देखो लिखा है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, यानी कि बेंजल्डिहाइड टीटी तो खेलता है लेकिन वो एफटी नहीं खेलता, मतलब टीटी खेलता है फुटबॉल नहीं खेलता। एक कोड है बेंजल्डिहाइड प्लेज टीटी बट डजंट प्ले फुटबॉल, और बेनेडिक्स टेस्ट भी नहीं देता है हमारा बेंजल्डिहाइड, क्योंकि फैलिक्स और बेनेडिक्स एक ही होते हैं, बिल्कुल हूबहू सेम होते हैं। सिर्फ डिफरेंस इस बात का है कि बेनेडिक्स में जो बेनेडिक्स बी होता है वो रॉसिल सॉल्ट की जगह सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की जगह सोडियम पोटेशियम सिट्रेट होता है, राइट। अब और ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो ये पॉजिटिव टेस्ट देंगे, तो आइए बता देता हूँ फिर से। वही मोनोसेक्राइड्स ग्लूकोज फ्रक्टोज लाइक दैट, डाइसेक्राइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज एंड ट्रीहेलोज, फॉर्मिक एसिड एंड ऑल एल्काइन्स विद टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड्स सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एज वेल एज हैमी एसिटल्स एंड एसिटल विल गिव फैलिंग्स टेस्ट एज वेल एज बेनेडिक्स टेस्ट। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया है, वेरी गुड माई डियर स्टूडेंट्स। अब अगर मैं पेज पलटूँ तो यहाँ पर दिया हुआ है आइडोफॉर्म टेस्ट, कैन यू सी ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाई हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन हम सभी ने सुना है, इतना सा पैराग्राफ दिया है, जबकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो 4 लेक्चर लगते हैं डेढ़ डेढ़ घंटे के हेलोफॉर्म टेस्ट पढ़ाने में। एनसीईआरटी ने बड़ी खूबसूरती से हेलोफॉर्म टेस्ट दे दिया कि देखिए जहाँ भी मिथाइल कीटोन है और NaOH से रिएक्शन हो रही है, बस याद रखिएगा ये एक्स क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा फेमस कौन है आयोडीन, यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। आयोडोफॉर्म का कलर CH3 का कलर येलो होता है, और NCERT ने बड़ी प्यारी खूबसूरत बात लिखी है माय डियर स्टूडेंट्स कि डबल बॉन्ड इस रिएक्शन के दौरान कुछ भी नहीं होता, जबकि आप KMnO4 डालोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट डालोगे
तो वो डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ये दिया है क्लास 11th की एनसीईआरटी में, लेकिन यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है कि ये ऑक्सीडेशन तो करता है मिथाइल कीटोन्स का, लेकिन डबल बॉन्ड सुरक्षित रहते हैं। तो क्या इतना ही है हेलोफॉर्म टेस्ट? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, हेलोफॉर्म टेस्ट बहुत डिटेल में आता है और मैंने इसके लिए भी आपके लिए मेहनत कर रखी है। मैं आपको पूरी मैकेनिज्म दिखाने की कोशिश ही नहीं बल्कि दिखाता हूँ। देखिए, शुरुआत यहाँ से होती RCHOHCH3। ऐसे कंपाउंड्स इनके पास अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो इथाइल अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल है तो ऑल टू ऑल, क्योंकि जैसे इसमें आप हेलोफॉर्म यानी कि I2NaOH डालोगे, हेलोफॉर्म नहीं सॉरी, ये रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडाइजिंग, यस डेफिनेटली इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उनका रिडक्शन हो रहा है, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है I2NaOH। जैसे ही डालोगे तो ये देखिए दोनों H यहाँ से निकल जाएंगी, ये H और ये H निकल जाएंगे और देखिए कीटोन बन गया है, कैन यू सी। तो यही तो मिथाइल कीटोन है, NCERT ने क्या गलत बोला? कुछ भी गलत नहीं बोला। तो दुनिया का एल्डिहाइड इकलौता कौन है? एसिटल्डिहाइड, जो ये टेस्ट देता है कीटोन्स ऑल टू वन। 1 डिग्री अल्कोहल में दुनिया में सिर्फ एक अल्कोहल है जो ये टेस्ट देता है, इथाइल अल्कोहल, और 2 डिग्री में इनफाइनाइट है ऑल टू ऑल। जैसे ही ये बना I2NaOH फिर से आएगा, एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा, एक एच की जगह एक आई आ जाएगा, यानी कि कोई भी मोनोहेलोजेनेटेड एल्डिहाइड या कीटोन इस तरह का जो मैंने बताया है तो वो भी हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। फिर से I2NaOH लुटेरा आया, फिर से एसिड बेस रिएक्शन, दूसरा एच गया और आयोडीन लग गया, यानी कि डाई हेलोजेनेटेड एल्डिहाइड यानी कि एसिटल्डिहाइड का एल्डिहाइड और कोई भी कीटोन ऑल टू वन ये टेस्ट देंगे। फिर I2NaOH आया, देखिए सारे एच उठा ले गया और तीनों एच की जगह कौन लग गए? आयोडीन लग गए, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। अब देखिए फिर से OH नेगेटिव आया, लेकिन यहाँ पर एसिडिक एच नहीं है तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, कार्बोनिल ग्रुप पे ये अटैक करेगा और इस तरह का कंपाउंड मिला। नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर R अगर H होता या R एल्काइल है या फिनाइल है, उससे अच्छा लिविंग ग्रुप है Ci3 या 6X3, क्योंकि इट इज़ स्टेबलाइज्ड बाय पैक बॉन्डिंग। तो याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं क्लोरल की, क्लोरल डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन बट इट गिव्स हेलोफॉर्म टेस्ट, बिकॉज CX3 नेगेटिव इज बेटर लिविंग ग्रुप एज कम्पेयर टू H नेगेटिव। यही कारण है कि क्लोरल क्यों नहीं देता कैनिजारो रिएक्शन और वो देता है हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। तो देखिए ये बन गया हमारा CHI3 या CHX3। आपको मैंने बताया कि X जो है वो फ्लोरीन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर फ्लोरीन होता तो वो बैक बॉन्डिंग शो नहीं करता, इसलिए फ्लोरोफॉर्म टेस्ट नहीं होता। क्लोरोफॉर्म हो सकता है, ब्रोमोफॉर्म हो सकता है, आइडोफॉर्म हो सकता है। ये एक्स CHI3 की आई की जगह क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है, नेवर इट कैन बी फ्लोरीन। तो दुनिया के ये कंपाउंड्स हैं जो हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो लगते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे लेकिन कभी नहीं देंगे। देखिए ऑल एसिड डेरिवेटिव्स दे नेवर गिव पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि इनका जो CH3 है वो एसिडिक नहीं है या वेरी वेरी स्लाइटली एसिडिक है। तो एसिड डेरिवेटिव कोई भी ये टेस्ट नहीं देंगे। अब एग्जाम में गलती क्या करता बच्चा? देखता मिथाइल कीटोन है CH3CO, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया R क्या होना चाहिए। R या तो H हो या एल्काइल हो या एराइल हो तो ही ये टेस्ट देगा। यहाँ पे H जो R है वो ना एल्काइल है ना एराइल है ना H है। बस याद रखिएगा कि कोई भी इथाइल एस्टर अगर है तो वो ये टेस्ट दे देगा। क्यों? क्योंकि जब भी इथाइल एस्टर को I2NaOH के साथ आप हीट करोगे, X2NaOH के साथ हीट करोगे तो वो इथाइल अल्कोहल देगा हाइड्रोलिसिस के बाद, एंड इथाइल अल्कोहल दुनिया का इकलौता प्राइमरी अल्कोहल है जो हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। बस थोड़ी सी बात और बतानी है, कुछ स्पेशल कंपाउंड्स हैं जो हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। देखिए आपका लैक्टिक एसिड, पाइरुविक एसिड एंड पाइरुविल्डिहाइड, दीज आर द वेरी वेरी स्पेशल कंपाउंड्स विच गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। रिमेंबर दैट, ये नहीं सॉरी पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट, नॉट टॉलरेंस टेस्ट, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट। ये कंपाउंड्स हैं तीन ऐसे जो बहुत स्पेशल हैं जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो कैसा लगा? मैंने देखा जाए तो करीब 12 घंटे की पढ़ाई इस 24-25 मिनट में कवर अप करने की कोशिश की है, पूरा पूरा ठीक से समझाने की पूरी मैंने कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा
इस लास्ट मोमेंट में जो कि टाइम कम है बच्चों के पास और पूरी पढ़ाई करनी है, पूरा समझना है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका है, इससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता। आपको ये वीडियो, ये कोशिश कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके, ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।